हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई आज मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ जिससे डर के टाटा ने अपने गाड़ी के प्राइस कम किए हैं। मैं चला रहा हूँ महिंद्रा XUV 400 नेक्सॉन ईवी के प्राइस 85,000 कम सिर्फ इस गाड़ी की वजह से हुए हैं। जिस दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना मार्केट में, जब इसके प्राइस आए उसी दिन टाटा ने 85,000 रुपीज कम कर दिए भाई इस गाड़ी से डर के। अब बात करते हैं पावर फिगर्स की। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक कार है, आपको बता दूं XUV 400 सेम प्लेटफॉर्म वही है जो आपका XUV 300 का, बस इसमें बैटरी पैक है, इंजन नहीं है। 150 हॉर्स पावर, 310 Nm का टॉर्क, वही जो इसका राइवल है नेक्सॉन ईवी मैक्स, उसमें आपको मिलेगी 145 हॉर्स पावर और आपको 240 या 250 Nm का जो वो आपको टॉर्क मिलेगा। कार 0-100 जो है वो आपकी 8.3 सेकंड्स में कवर कर लेती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ भाई ड्राइविंग की। सीट्स देखो यार, आपको मिलेंगी लेदरेट सीट्स इस गाड़ी में और आपको ब्लू कलर की स्टिचिंग, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि भैया ये है एक ईवी। भाई मैं ड्राइविंग पोजीशन बताऊँ, इस गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ। मुझे ज्यादा मतलब कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, बस अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के पास। बाकी वाइब्रेशंस तो यार होती नहीं है। बैटरी जो है वो 40 किलोवाट की मिलेगी सॉरी, और रेंज मिलेगी आपको 456 किलोमीटर की। इलेक्ट्रिक गाड़ी में थोड़ी फील कम होती है क्योंकि मोटर होती है और ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह होती नहीं। देखो अब जैसे मैंने पुल किया तो आपको कोई भी आवाज देख लो, आप कोई डिफरेंस जो वो नोट नहीं कर पाओगे कि भैया कोई पावर में डिफरेंस, मतलब कोई नॉइस में डिफरेंस है या कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं फील होगा ना, आपको पेडल से कोई वाइब्रेशन आएगी ना उससे। तो स्टीयरिंग का फीडबैक जो है इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, और मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, पर्सनली बता रहा हूँ, XUV 300 जो TGDI आती है ना उससे भी अच्छा जो है इसका स्टीयरिंग का फीडबैक है। इसमें आपको मिल जाते हैं तीन मोड्स जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो है फास्ट मोड में है कार, फियरलेस मोड और आपका फन मोड, तीनों की परफॉर्मेंस में जो है अच्छा खासा फर्क है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में जो है फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस में फर्क है तीनों के ही। और जैसे आपका इको मोड होता है, स्मार्ट मोड होता है और थोड़ा आपका स्पोर्ट्स मोड होता है, उस तरीके के मोड्स दिए हुए हैं आपको। जो भी आपका मन हो, अगर आपको लंबी रेंज चाहिए हो तो आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। आपको फन टू ड्राइव करना है, आपको मजे लेना है गाड़ी के, तो भाई आप फियरलेस मोड में कार को कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, हॉर्न आप सुन सकते हैं कार का, ये वाला जो आपको हॉर्न मिलेगा। तो अभी हम जो है XUV 400 का सस्पेंशन टेस्ट करेंगे। आगे जो पैच है वो खराब है, अब देख लीजिए गड्ढों में जो है मैं अब गाड़ी को चला रहा हूँ। एक चीज तो देखो यार, आप क्लियरली फील करोगे कि भाई इस गाड़ी के सस्पेंशन में आवाज बिल्कुल भी नहीं है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी, मतलब नाम मात्र के लिए भी आवाज नहीं है। मैंने जो भी पोर्ट होल्स पे से निकाली ना, अगर इस पे कोई और गाड़ी होती तो भाई पक्का आवाज आनी थी जिस स्पीड पे मैंने निकाली, 20-30 की स्पीड पे ही निकाली होगी, बट भाई आवाज नहीं है इस गाड़ी में। देखो आगे आ रहा है पोर्ट होल, तो उस पे भी आप देख लेना, ये देखिए पोर्ट होल है, ये देखिए कोई आवाज नहीं है भाई, इतना साइलेंट सस्पेंशन है। और ट्यूनिंग भाई बहुत अच्छी ट्यूनिंग है सस्पेंशन की, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा स्टिफ है। भाई मैं चलाता हूँ पोलो और उसकी सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है ना वो बहुत अच्छी है, और गाड़ियों की मुझे नहीं पसंद आती, बहुत कम गाड़ियों की जो सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो पसंद आती मुझे। इवन यार टैगून वगैरह जो अब की वॉक्सवैगन आती है वो ही नहीं पसंद आती, तो मुझे इस गाड़ी का सस्पेंशन जो है बहुत अच्छा लगा। सस्पेंशन की बात होगी, बाकी ब्रेक जो है आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, तो ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है। आप देख लीजिए, ये आ गए अंकल जी सामने, देख रहे नहीं है तो रुक गई हमारी गाड़ी आराम से, मेरे को कोई मतलब मुझे कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, अपना बढ़िया भाई, मतलब वो है स्पोर्ट्स कार है, 15 लाख रुपए में स्पोर्ट्स कार ले रहे हो, वो वाली फील देगी आपको, क्योंकि कुछ करना है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो है वो आपको मिलेगा, आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे सेफ्टी में, ABS मिल जाएगा, EBD, ESC, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, रिवर्स कैमरा, ये सारे फीचर जो है आपको सेफ्टी में मिल जाएंगे गाड़ी के। जो इसका ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में जो है आपको एक मोड मिल जाता है जो कि L है, जिसे कि ये लाइवली मोड बोलते हैं। ये क्या होता है, इससे कार की परफॉर्मेंस जो है कम हो जाती है और रीजनरेशन लेवल जो है वो ऑन हो जाता है। अब मैं जैसे कि अभी ड्राइव पे ही हूँ, अभी मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये देखिए अब मैंने शिफ्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं ब्रेक पे से पैर हटाऊंगा, देखिए गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक लगाएगी, तो इससे क्या होता है कार जो है वो चार्ज होती है खुद पे खुद,
तो ये रीजनरेशन होती है, इसे रीजनरेशन बोलते हैं, और गाड़ी खुद पे खुद बैटरियों को चार्ज करती है ब्रेक लगा के इसमें। बाकी कार के इंटीरियर में आप देखोगे क्या फर्क दिखता है, आपको पियानो ब्लैक कलर का आप यूज देख सकते हैं। नॉर्मल जो एक्सयूवी 300 आती है उसमें पियानो ब्लैक कलर का यूज नहीं होता, ये स्टेयरिंग पर पियानो ब्लैक कलर का यूज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ जैसे हमारा कॉपर जो कलर होता है उस एलिमेंट में जो आपको दिया। और आप तो ये था मेरा एक्सयूवी 400 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो।